इसको लेकर के आज प्रेसिडेंट ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, संविधान भारत की सबसे बड़ी ताकत है। संविधान को जब जब किसी ने चोट पहुंचाया है वो कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने केवल अपने हित के लिए उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाया, देश को एक तरह से जेल बना दिया, पत्रकार की कलम बंद हो गई, राजनेताएं जेल में बंद होने लगे, उनको बंद कर दिया गया, बंदी बना दिया गया, देश ठहर सा गया, लोकतंत्र शर्मसार हुआ, और ये नए पीढ़ी को जानने का पूरा अधिकार है। जब महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने इसकी चर्चा की है तो आज होनी ही चाहिए। 50 वर्ष अब होने जा रहे हैं, फिर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा ना आए जो इस कलंक को फिर से भारत के माथे लगाए। दादा, जो संगोल लगा हुआ है उसको हटा के और वहां संविधान की कॉपी लगाने की बात कर रहे हैं विपक्ष। देखिए, जिस विपक्ष ने कौन ये राहुल गांधी यूं लेकर के आते हैं, राहुल कांग्रेस ने जितना संविधान की धज्जी को लेकर के आज प्रेसिडेंट ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, संविधान भारत की सबसे बड़ी ताकत है। संविधान को जब जब किसी ने चोट पहुंचाया है वो कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने केवल अपने हित के लिए उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाया, देश को एक तरह से जेल बना दिया, पत्रकार की कलम बंद हो गई, राजनेताएं जेल में बंद होने लगे, उनको बंद कर दिया गया, बंदी बना दिया गया, देश ठहर सा गया, लोकतंत्र शर्मसार हुआ, और ये नए पीढ़ी को जानने का पूरा अधिकार है। जब महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने इसकी चर्चा की है तो आज होनी ही चाहिए। 50 वर्ष अब होने जा रहे हैं, फिर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा ना आए जो इस कलंक को फिर से भारत के माथे लगाए। दादा, जो संगोल लगा हुआ है उसको हटा के और वहां संविधान की कॉपी लगाने की बात कर रहे हैं विपक्ष। देखिए, जिस विपक्ष ने कौन ये राहुल गांधी यूं लेकर के आते हैं, राहुल कांग्रेस ने जितना संविधान की धज्जी